समाज में भलाई के मकसद से लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। कोई कुछ काम करता है तो कोई किसी भी तरह का काम करता है, कोई मानव जाति के लिए काम करता है तो कोई पशु पक्षियों के लिए काम करता है। ऐसा ही एक ओपन आइज फाउंडेशन है जो छात्र छात्राओं के हितों में काम करता है, स्कूली बच्चों के लिए काम करता है। और वो काम किस तरह से करता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले कि ओपन आइज फाउंडेशन की तरफ से एक लाइब्रेरी ऑफ ऑनेस्टी ये खोली गई है। आप देख सकते हैं कि एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर तरह तरह की किताबें हैं, अलग अलग तरह की किताबें हैं, अलग अलग विषय की किताबें हैं। और कोई भी बच्चा अगर उसकी किताब पुरानी हो गई है, उसके काम की नहीं है, तो वो यहाँ डोनेट कर सकता है। और डोनेट करने के लिए भी ये दिया गया है, यहाँ आकर के अपनी पुस्तक को डाल सकता है। और यहाँ डालने के बाद में ये पुस्तक यहाँ लगा दी जाती है। कोई भी बच्चा यहाँ आकर के देख सकता है, अगर उसको कोई पसंद आती है पुस्तक तो वो ले जा सकता है और पढ़ने के बाद वापिस यहीं दे करके यहीं रख करके जा सकता है। ओपन आईज फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, जो इसको पूरे को चलाते हैं, वो संदीप हैं। उनसे बातचीत करते हैं। संदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कब ये आपके दिमाग में आया और कैसे दिमाग में आया ये आइडिया? ये जो आइडिया है ये 2016 में आइडिया मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मैं एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा रहा था, तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ बेसिक रिसोर्स की कमी की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे स्कूल बनाए हैं, टीचिंग स्टाफ दिया है, लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में जो उसको काम दिया जाता है, उस काम को करने के लिए हमारे पास किताब, पेन, पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर तो चाहिए, तो बच्चे वहीं दम तोड़ देते हैं। तो मुझे लगा कि इस दिशा में कुछ काम करना चाहिए। तो वहाँ से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इतने सारे बच्चे हैं लेकिन इसके लिए तो बहुत पैसा लगेगा, अब पैसा है नहीं, तो फिर ये सोचा क्यों ना हम जितने भी पढ़ी हुई चीज़ें हैं एजुकेशन की, जो लोगों के घरों में रखी हुई हैं, उन सारे सामान को इकट्ठा किया जाए और उनको सही किया जाए और उन बच्चों तक पहुंचाया जाए। ये कहाँ कहाँ खोली गई है, कितनी खोली गई है, और बच्चे अगर ले जाते हैं तो वापस कितने बच्चे देके जाते हैं? लाइब्रेरी ऑफ ऑनेस्टी एक पार्ट है हमारे इस काम का, क्योंकि जब हम सारी किताबों को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास फिक्शन, नॉन फिक्शन, बायोग्राफी की किताबें आती हैं। तो इन किताबों को जो है आम लोग, मतलब जो नीडी जो बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं है, तो इनके लिए हमने सोचा क्यों ना हम आम लोगों तक ये किताब पहुंचाएं। तो हमने जगह जगह लाइब्रेरी ऑफ ऑनेस्टी खोली ताकि लोग इस काम के प्रति अवेयर भी हों और लोगों को फ्री में किताब पढ़ने के लिए भी मिले। इसमें अभी 6 लाइब्रेरी ऑफ ऑनेस्टी हैं, जिसमें अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो 4 हैं और पंचकुला की बात करें तो 2 हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 70 से 80 किताब आती हैं। इसमें फिक्शन, नॉन फिक्शन, बायोग्राफी की किताब होती हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई ताला नहीं है, कभी भी आके किसी भी वक्त आके यहाँ से किताब लेके जा सकता है और डोनेट करना चाहे तो डोनेट भी कर सकता है। बिल्कुल, देख सकते हैं आप कि स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और पहुँच करके बुक ली है। आप यहाँ रेगुलर आते हैं? जी जी सर, मैं रेगुलर आता हूँ और जो भी बुक मेरे को अच्छी लगती है मैं यूजली पढ़ के वापस चले जाता हूँ। वापिस रख के चले जाते हैं, तो क्या कैसा कंसेप्ट लग रहा है आपको? बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जैसे जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनको पता है, जिनको बुक्स रीडिंग का शौक है, लाइक वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो इजिली ऑनेस्टी की तरफ से अपने पढ़ें और वापस रख जाएं। अच्छी एक शुरुआत की है सर ने, तो मैं इनको काबिल बिल्कुल, बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं और आकर के किताब लेते हैं और लेकर लेने के बाद यहाँ से लेकर के जाते हैं, पढ़ते हैं। और भी आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स काफी संख्या के अंदर यहाँ आते रहते हैं और आने के बाद पढ़ते हैं, किताबों को लेकर के जाते हैं। और जब उनके विषय पूरा हो जाता है, और केवल बुक्स नहीं, यहाँ एक गर्ल स्टूडेंट भी हैं, वो भी यहाँ पहुँची हैं। आप यहाँ अक्सर आते रहते हैं जी? हाँ जी सर। कौन सी किताब अच्छी लगती है आपको? सर मुझे लिटरेचर की सारी किताबें अच्छी लगती हैं, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, मैं सब पढ़ती हूँ। तो यहाँ आपको बिना पैसे के मिल जाती हैं? बिल्कुल सर, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप अपनी मर्जी से जब चाहो लेके जाओ और जब चाहो वापस दे जाओ। मतलब आपको ऐसे भी नहीं है जैसे लाइब्रेरी से आप लेते हो कि आपको 10 दिन में वापस करनी है, आप अपना आराम से पढ़ सकते हो। कोई बड़ी बुक है तो आप ज्यादा दिन रख लो और छोटी बुक है तो आप जल्दी से पढ़ के आप रख जाओ। और ऐसा बताया गया है कि यहाँ जो खुद की भी यूज्ड बुक होती है वो भी यहाँ दान कर जाते हैं लोग? हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास कोई ऐसी बुक्स हैं जो आपको अभी नहीं चाहिए तो आप इसमें डाल के जा सकते हो और वो बाकी बच्चे उसको यूज कर लेंगे और बाकी लोग जिनको पढ़ने का शौक है वो पढ़ सकते हैं।
आप यहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? जी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। क्या कर रहे हैं? मैं पीएचडी कर रही हूँ सर। पीएचडी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पीएचडी कर रहे हैं छात्र छात्राएं, वो भी यहाँ आते हैं और बुक जो है वो यहाँ से लेकर के चले जाते हैं और पढ़ने के बाद उसको वापस यहीं रख दिया जाता है। संदीप हमारे साथ है, हम उनसे बात कर रहे थे। संदीप जी, आपसे यही जानना चाहूंगा कि पूरे पंचकुला में और चंडीगढ़ में अभी आपने लगभग छह आपने बताया कि इस तरह की लाइब्रेरी खोली गई है, तो और भी किस तरह की चीजें हैं जो आप जो खराब हो जाती हैं उनको वापस यूज में लेके आते हैं? देखिए, जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में सबसे अहम रोल हमारी किताबों का होता है, हमारी नोटबुक का होता है, हमारा स्टेशनरी का होता है। हम जितने भी पुरानी किताबें इकट्ठी करते हैं, जो अकेडमिक किताबें हैं, वो चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के अलग अलग स्कूल कॉलेजों में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। अभी तक अगर सिर्फ किताबों की बात करें तो हम 1.5 लाख के करीब 6 साल में किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। साथ में हम क्या करते हैं कि जैसे आप पेन का इस्तेमाल करते हो, पेन जब खाली होता है तो हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि उस पेन में रिफिल दोबारा डाल देते हैं और नया पेन तैयार कर देते हैं। जो आधी भरी नोटबुक होती है, आधी खाली होती है, तो खाली पेज निकाल लेते हैं, नई नोटबुक तैयार कर देते हैं। इसी तरीके से शार्पनर का करते हैं, किसी शार्पनर की बॉडी अच्छी होती है, किसी का कटर अच्छा होता है, उसका कटर निकाल के उसकी बॉडी में डाल दिया। तो इस तरह का सारा सामान है। और ये सारी चीजों को हम इकट्ठी कैसे करते हैं? अलग अलग जगह हमने बुक डोनेशन बॉक्स लगाए हैं, हमारी मोबाइल लाइब्रेरी है जो स्कूल और कॉलेजों में फ्री ऑफ कॉस्ट किताब बांटती है, लोगों को अवेयर करती है, पब्लिक प्लेसेज में जाती है। और सेकेंडली चीज है, हमारा खुद का बुक बैंक है, जहाँ पे ट्राई सिटी का कोई भी बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है अकेडमिक बुक, चाहे किसी भी क्लास की हो, चाहे वो सीए की किताब हो, चाहे एमबीबीएस की किताब हो, चाहे वो 10वीं क्लास की किताब हो, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। साथ में अभी हमने एक चीज और शुरू की है, ये तो छोटी लाइब्रेरी है, अब बड़ी लाइब्रेरी हम बना रहे हैं। अभी हमारी पहली लाइब्रेरी 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए है, वो अक्टूबर के महीने में हम उसका इनॉग्रेशन करेंगे। उस लाइब्रेरी में भी जितनी किताबें हैं वो लोगों की पढ़ी हुई किताबें, एक भी किताब पर पैसा नहीं लगाया। तो इसी तरीके से हम इस मुहिम को चला रहे हैं। कितने लोगों का ये आपका ग्रुप है जो ये काम कर रहा है और कितनी कठिनाइयां इस ग्रुप में को शुरुआती माध्यम से कहीं आई? देखिए, इस ग्रुप में अभी लगभग 300 से 400 लोग हैं जो इसमें काम करते हैं। सभी लोग अकेडमिक से जुड़े हुए हैं, जैसे डॉक्टर हैं या कोई प्रोफेसर है या कोई पीएचडी कर रहा है, इस तरह के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। कठिनाई की बात करें तो जब इसको शुरू किया था 2016 में, तो मैंने अपनी किताबों से शुरू किया था और मैंने पैदल पैदल शुरू किया था। उसके बाद मैं एक्टिवा से किताबें इकट्ठी करनी शुरू की, उसके बाद हमने मोबाइल लाइब्रेरी बनाई, उसके बाद मन की बात में हमारा जिक्र हुआ है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में हमारा जिक्र किया। उसके बाद एक बैंक ने हमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमें बस डोनेट की, भैया छोटी वैन है, इससे आप कम किताबें लेके आ रहे हो, आप बस ले जाओ, उन्होंने हमें बस दी। यानी, और दूसरी हम कठिनाई की बात करें तो देखो, कहने में बड़ा आसान है कि किसी ने किताब डोनेट कर दी, हमने ले आए। देखो, पहले तो डोनर के पास पहुंचना, फिर उसके घर से वो कौन सी फ्लोर पे है वो किताब उठा के लेके आना, उसके बाद उसको एक जगह पे लेके आना, उसके बाद उन किताबों को सही करना, फिर अलग अलग क्लासों में करना, उसके बाद वो नीडी बच्चा भी फाइंड करना, फिर वो किताबें उस बच्चे तक पहुंचाना, यानी प्रोसेस बहुत लंबा है। तो कितनी किताबें हैं अभी तक जो आप इकट्ठी कर चुके हैं? जैसे आपने बताया कि एक बुक बैंक बना रखा है, उसमें कितनी किताबें हैं? अभी हमारे पास करंटली 35,000 किताबें हैं और हर साल लगभग हम 15 से 20,000 किताबें बांटते हैं, और 6 सालों में हम लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख के करीब हम किताबें बांट चुके हैं। ये जिस तरह से आपने खोला हुआ है लाइब्रेरी ऑफ ऑनेस्टी, तो बच्चे लेकर के जाते हैं तो कोई वापिस करके जाते हैं या कुछ अपने घर ही रख लेते हैं? नहीं, बिल्कुल, आप इसमें देख सकते हैं, अगर इस बॉक्स में आप देखेंगे तो आधे से ज्यादा भरा हुआ है। देखो, ईमानदार लोग हैं, बहुत ईमानदारी है लोगों में, लेकिन वो आपको भी पता है कि जब आप कोई भी अच्छा काम करते हो तो समाज में दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग किताब ले जाते हैं, वापिस नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग वापिस करते हैं वो डबल कर देते हैं, तो एक बैलेंस रहता है, उस बैलेंस की वजह से हर चीज सस्टेन रही है। आपने कहा कि मन की बात के अंदर आपका जिक्र आया था, कब प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात के एपिसोड के अंदर आपकी बात रखी? ये कोरोना के टाइम में हमने मोबाइल लाइब्रेरी से, देखिए बात अभी नीडी की हम कह रहे थे कि हम नीडी लोगों को हम एकेडमिक बुक देते हैं, कोरोना के टाइम में हर व्यक्ति नीडी था क्योंकि घर से बाहर जा नहीं सकता था और दुकानें खुली नहीं है, लोगों को किताबें चाहिए, तो उस दौरान हमने लोगों के घर जाकर डोर स्टेप पे हमने किताबें बांटी हैं लोगों को, और उसमें 2020 में अक्टूबर में हमारा जो जिक्र हुआ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हम मौजूद हैं और वहाँ ये लाइब्रेरी लगाई गई है, और यहाँ नहीं,
चंडीगढ़ के सेक्टर 34 की अगर बात करें या पंचकुला के सेक्टर 15 की बात करें, सेक्टर 9 की बात करें या चंडीगढ़ में और भी स्थान है जहां ऐसी ही लाइब्रेरी बनाई गई है। हालांकि छोटी लाइब्रेरी है, इसको बड़ा रूप अभी दिया जा रहा है, और भी बड़ा रूप दिया जा रहा है, और साथ के साथ मोबाइल वैन, जो मोबाइल एक पुस्तकालय कहें, वो भी इन्होंने चला रखा है, और 35,000 से ज्यादा किताबों का संग्रहालय भी एक बना रखा है। वहां से चीजों को अलग अलग किया जाता है, यहाँ कुछ यहाँ रखी जाती हैं, कुछ अलग अलग जगह रखी जाती है। उद्देश्य एक ही है कि जो नीडी पर्सन है, जो नीडी बच्चे हैं, जिनके पास किताबें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, उनको किताबें उपलब्ध करवाना, उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करना, यही जो आइज फाउंडेशन है, जो ओपन आइज फाउंडेशन है, उसका उद्देश्य है। और संदीप उसके प्रेसिडेंट हैं, और पूरा एक ग्रुप है, केवल संदीप नहीं है कि पूरा एक ग्रुप है, लगभग 250-300 लोगों का ग्रुप है, वो इस कदम आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री भी इसका अपनी मन की बात के अंदर जिक्र कर चुके हैं, जो कि एक नेक दिल काम है।